चला वहीं चल रहे हैं। चलो 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 जोरदार तालियों से अभिवादन। और आप सभी को पता है कि आज हम महिला सशक्तिकरण के इस महिला दिवस के आयोजन पर हम आपसे निवेदन करूंगी मैं कि आप आए और उनका स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि के तौर पे मौजूद श्रीमती सुनीता सहरावत जी का स्वागत। हमारे बीच मौजूद मीरा बंजारे जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारी विशिष्ट अतिथि तौर पे श्रीमती सुनीता सहरावत। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी उपस्थिति बताएगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर जोरदार। विशिष्ट अतिथि के तौर पे मौजूद श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, श्रीमती सरिता परधनिया जी का आप स्वागत करेंगे। हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमती सुभद्रा सिंह जी का, आप अध्यक्ष महिला कांग्रेस भिलाई छत्तीसगढ़, आपके स्वागत के लिए। जी हाँ, कुलवंत कौर जी का स्वागत। हमारी बीच मौजूद रीता सिंह जी, रीता सिंह गेरा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। प्लीज जोरदार तालियों के साथ लगातार तालियां बजाने में आप सहयोग करें। अतिथि को देवों के तुल्य माना गया है, तो आप सभी से निवेदन कि जब हम अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी तालियों के साथ हमें जरूर नवाजें। थैंक यू, जोरदार तालियां सभी बजाएं। और जैसे कि आज महिला सशक्तिकरण प्रोत्साहन समारोह, चंदा माँ उनका स्वागत। जानकी साहू, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो स्वागत करें चंदा माँ का। चंदा माँ का स्वागत करिए जानकी साहू। जानकी दीदी, मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी आप स्वागत करें, जोरदार तालियां। जानकी जी स्वागत कर रही हैं अम्मा का। और आज के इस कार्यक्रम की आयोजक हमारी श्रीमती रीता सिंह गेरा जी का स्वागत कर रही है। जोरदार समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन कीजिए तालियों की बौछार से।
जानकी साहू जी से निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आएंगी और हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगी। जोरदार तालियां सेवा दल से हमारी शांति साहू जी, जो रात और दिन हमारी सेवाओं में मौजूद रहती हैं। शांति दीदी, हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती नीता डिसूजा जी का स्वागत करेंगी। शांति दीदी, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप सभी हमारे मुख्य अतिथियों का। की प्रस्तुति प्रदान करके अभी आए हैं कुछ पूर्व और एक छोटा सा सेल्फी आपके साथ ये तमाम कलाकार लेना चाहते हैं, यदि आपकी इजाजत हो तो। और तत्पश्चात सम्मान की कड़ी को प्रारंभ करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा मैं मेरी सह संचालिका गीतांजलि सेन जी, आपसे निवेदन कि सम्मान की कड़ी को आप आगाज करेंगी, दिशा प्रदान करेंगी। जय जय बहुत 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 धन्यवाद महोदय जी। और आइए पुनः और निवेदन गीतांजलि सेन जी आपसे मेरा निवेदन कि आप सम्मान की कड़ी को प्रारंभ करेंगी अपने मुखारविंद से। एडिशनल एसपी सजा सभा अंजुम जी आप मंच पे आ जाइए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, हमारी महाध्यक्ष महिलाओं की नेता डिसूजा जी, आठ मार्च ही नहीं है आधी आबादी का, आधी आबादी का हर दिन होता है, आधी आबादी हर दिन देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि उनका दिन हर दिन होता है। बहनों, आज हम कार हमारी है माननीय भूपेश बघेल जी ने महिलाओं के, जब से हमारी यहाँ सरकार आई है, मान और सम्मान में किसी तरह से भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये है असली महिला दिवस, महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं की समस्या सुनना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, चाहे वो उनकी दूध की बनी चीज को, प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं उनकी गोबर की बनी हुई खाद, गोबर का बना हुआ कई तरह के दीवे योजनाए वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा लेके आए हैं। इस तरह की योजनाएं जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी हैं और हम महिलाएं उससे अपने बच्चों का, अपने घर का भरण पोषण कर रही हैं। बहनों, अभी पहले हमने राष्ट्रपति प्रतिभा जी थी, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी ने, राजीव जी ने हमें 33% आरक्षण दिया लोकल बॉडी इलेक्शन में, उसके बाद हमें 50% दिया। असली महिला दिवस ये है, हम महिलाओं का मान सम्मान
हमें 10 बजे से आके बैठे हैं, 10-11 बजे से ऐसे मैं सुने हूँ। रीता जी और बता रही से हमार महिला मन 11 बजे से आके बैठे हैं, तो भूख भी लगी सोई और कुछ दीदी मन खाना खा के बैठी थे, तो जो मन खाना खा के बैठे थे तेमन जोरदार नारा लगाओ, छत्तीसगढ़ बैतारी की महिला शक्ति, महिला शक्ति जिंदाबाद। हमारे महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसोजा, नेता डिसोजा जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मजा नहीं आवा थे, जोर से बोलो ना, मजा नहीं आवा थे नारा में, हमारे सशक्तिकरण टीम बदनामी करावा थे बोल, जोर से बोलो। सबसे पहले आज राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में महिला सम्मान समारोह के कार्यक्रम में और इस धरती में हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहुत ही सम्मानीय सुश्री नेता डिसोजा जी, छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के प्रभारी सम्मानीय श्रीमती सुनीता शेरावत जी और साथ में दिल्ली से आई हमारी मेहमान आदरणीय सीमा सिक्की जी और हमारी बड़ी बहन, हम साथ में रहे, बोलने में कोई झिझक नहीं, हम उत्साह के साथ बोल सकते हैं कि महिलाओं में सशक्तिकरण आई है, महिलाओं में मजबूती आई है, महिलाएं आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होने जा रही हैं। एक उदाहरण दूंगी, बेमेतरा की एक महिला है, गांव मुझे याद नहीं आ रहा है, और उसके यहाँ जमीन नहीं है, उसके यहाँ एक भी गाय नहीं है, लेकिन वो गोबर बेचकर लाखों रुपए अपने अकाउंट में जमा करके रखी है। ऐसे व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, फिर भी उस अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टिकोण से हम कैसे ऊपर उठाए, ये उन्होंने निचले लेवल पे योजना बनाकर लागू किया है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप अपने अधिकार को समझे और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले, निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और मजबूत होंगे। मैं यहाँ ज्यादा भाषण देने नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग की बात को भी नहीं सुन रहे हैं। महिलाओं में वो ताकत है, आप में और हम में वो ताकत है, अगर आपने कुछ ठान लिया ना, यकीन मानिए आप चाहे तो देश बदल सकते हो, आप चाहे तो दुनिया बदल सकते हो। आप में वो ताकत है, आप घर चलाते हो, आपको खूब पता है कि घर कैसे चलाना चाहिए, और जो घर को संवारती है वो देश को भी संवारती है और दुनिया को भी संवार सकती है। बहनों, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्यार और सम्मान मिला है, हम सब छत्तीसगढ़ के ऋणी हैं। अभी जब हम यहाँ पे आए, जिस तरीके से भाइयों ने पंक्ति नृत्य करके हम सभी का सम्मान किया, जिस तरीके से इस नृत्य से
आपने पंथी नृत्य करके आपने महिलाओं को सम्मान दिया। मैं अंदर आते हुए सोच रही थी कि बहुत सारे प्रदेशों में जब हम जाते हैं तो वहां पे महिलाएं नृत्य करके सम्मान करते हैं और हमें अंदर ले जाते हैं, पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाइयों ने नृत्य करके हमें सम्मान देते हुए अंदर लेके आए हैं, उससे ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के भाई जो है वो महिलाओं के सम्मान करना जानते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रजा है वो महिलाओं को अहम स्थान देती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद पहली बार तीजा का पर्व मनाया गया तो उस समय पे भूपेश बघेल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीजा के दिन, तीजा के हर साल महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे, सीएम के जो कुटीर है उनके दरवाजे आप सबके लिए खोल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को बदल करने के लिए जितना काम किया है, सामाजिक रूप से महिलाओं के उत्थान किया, सशक्तिकरण, इकोनॉमिकली जो एक आर्थिक रूप से आप सबको सशक्त करने का काम किया है, और सच्चाई ये भी है कि आने वाले दिनों में हम एक ये भी लेंगे कि किस तरीके से महिलाओं को और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सशक्त करेगी। बहनों, सही मायने में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कांग्रेस की वो परंपरा बरकरार रखी और भूपेश बघेल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की परंपरा को छत्तीसगढ़ में सर आंखों पे बिठाते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ में और लोकसभा की चुनाव 2024 में होगा। बहनों, आज यहाँ पे आपका और हमारा दिन हम मनाने आए हैं। मैं राजनीतिक बात करूंगी क्योंकि सच्चाई ये है कि राजनीति से और राजनीतिक फैसलों से महिलाओं की उत्थान और महिलाओं की सम्मान होती है। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं महंगाई पे जरूर अपनी बात रखूंगी, मैं केंद्र सरकार के बारे में जरूर बात रखूंगी क्योंकि महंगाई से प्रदेश के भी हमारे महिलाएं त्रस्त है और महंगाई के चलते इस बार जो होली और महिला दिवस जो है वो एक ही दिन पे थी और इस बार इस दिन पे जो हमारे किचन पे, जो हमारे रसोई पे और जिस तरीके से केंद्र के सरकार ने हमें दबाने का काम किया, हमारे होली को और हमारे महिला दिवस को उछाड़ने की कोशिश की है, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक होली से पहले जिस तरीके से गैस के दामों पे 50 रुपया बढ़ाया गया है और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों पे 350 रुपया बढ़ाया गया है, इससे इस केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की नीति और नियत सबके सामने इसका खुलासा हो गया है। बहनों, केंद्र की इस गूंगी बैरी सरकार को उखाड़ना होगा। दोबारा हमें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने जो अच्छे दिन दिए वो सरकार लानी होगी और 2024 में हमें यह तय करना होगा कि छत्तीसगढ़ में 11 हमारे लोकसभा है, 11 के 11 लोकसभाएं कांग्रेस के झोली में डालने का काम छत्तीसगढ़ से होगा। ये भव्य आयोजन मतलब इसलिए किया गया था कि महिला दिवस
महिला दिवस 8 मार्च को आया था, होली का दिन था, हमने नहीं कर पाए। 12 मार्च को मैंने महिला दिवस का कार्यक्रम रखा और महिलाओं को एक ही छत के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमती नेता डिसूजा जी, फूलो देवी नेताम जी, सुनीता सरावत जी, हमारे प्रतिमा चंद्राकर जी, हमारे सभी विधायक देवेंद्र यादव जी, सभी वरिष्ठ लोग उस मंच पर पहुंचे थे और मंच में हमने महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा था। जो महिलाएं कोरोना काल में काम करती हैं, जो महिलाएं गुरुद्वारे के लिए सेवा करती हैं, कुछ महिलाएं उसमें ऐसी थी, कोई डॉक्टर्स था, कोई लेक्चरार था, और हर प्रकार की महिलाएं थी, कोई समूह की महिलाएं थी। हमने सभी को सम्मानित किया और महिलाओं को सम्मानित करना ही मेरा उद्देश्य।